बीजेपी काम नहीं। उज्जवल गुप्ता, साइकिल आज भी तो हम सपा के हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। उज्जवल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता जीतेंगे। बीजेपी कामनी राठौर है। उज्जवल गुप्ता कामनी राठौर भाजपा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कियाई की इस स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि फिरोजाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पर लोगों का मूड क्या कह रहा है, लोगों का मन क्या है, जनता का मन क्या है। ये जन का मन का ये जो एपिसोड है इसमें हम आज सुहागनगर पर उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये सुहागनगर माता का मंदिर, ये बड़ा लैंडमार्क है सुहागनगर वालों के लिए और ये सुहागनगर सेक्टर 1 में पड़ता है और यहाँ से हम अपनी ये जो पद यात्रा है जो आपके लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि लगातार फिरोजाबाद में लोगों के मन में क्या चल रहा है और लोग किस तरीके से महापौर का जो चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है उसको देखते हैं। तो क्विक सर्वे हम करेंगे और लोगों से जानेंगे सिर्फ एक सवाल कि इस बार महापौर का वो किसको बनाना चाहते हैं, किसके सर पर महापौर का ताज रखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम ये सिलसिला, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम 13 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं। पूरे दिन वो लाइव हमारा चलेगा और उस दिन हम एक एक मिनट की अपडेट आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया, पेज को फॉलो कर लीजिए, हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। आइए तो ये जो सुहागनगर का क्षेत्र है, सुहागनगर क्षेत्र में सेक्टर 1 में इस समय हम हैं और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार महापौर कौन बनना चाहिए, मेयर का वोट किस पे। फूल को, तो फूल वाले हैं, ये फूल को ही वोट देंगे। आइए और लोगों से जानते हैं कि इस बार मेयर के इलेक्शन में वो किसको जिताना चाहते हैं। भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या तो फूटू आएगा, बिल्कुल आएगा सर। कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी पक्का। आप बताइए सर, बोलते हैं अपने अपना अपना बोलो यार। बीजेपी जीतेगी पक्का भैया? बीजेपी जीतेगी होगी। भैया कौन? बीजेपी। बीजेपी आइए। और भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी जीतेगी। भैया मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा इस बार? आप आए मीडिया में, बताएं कौन जीतेगा इस बार मेयर के इलेक्शन में? अब देखते कौन जीतता है। किसके चांस लग रहे हैं? चांस तो बीजेपी के ही लग रहे हैं। बीजेपी के ही लग रहे हैं भैया, चांस तो इधर लोगों को। भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? आदमी तो हम सपा के हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। हाय आदमी सपा के हैं, वोट बीजेपी को देंगे, क्या बात है भैया। हाँ बताएं आप। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा आइए भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? कामनी राठौर है। कामनी राठौर। उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता जी, दो अलग अलग वोट है यहाँ पे। आइए तो ये जो सुहागनगर का एरिया है, फिरोजाबाद के तमाम जगहों में से एक बहुत अहम हिस्सा है सुहागनगर, इसलिए हम आपको सुहागनगर का भी अपडेट दे रहे हैं कि सुहागनगर के लोग क्या चाहते हैं, इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन आना चाहिए। भैया अभी कौन सी पार्टी? अभी पार्टी की तो मतलब जो हाथी होना चाहिए। हाथी होना चाहिए। हाथी होना चाहिए। वार्ड नंबर 4 से हाथी होना चाहिए भैया इनके हिसाब से। आइए और लोग जो है सुहागनगर के क्षेत्र में हम उनसे पूछेंगे, भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन होना चाहिए, किसको जिताना चाहते हैं? फूल को। फूल को जिताना चाहते हैं। फूल को जिताना चाहते हैं ये। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? किसमें? मेयर के इलेक्शन में कौन कौन जीतेगा? कमल। कमल जीतेगा। आपको क्या लगता है? कमल ही जीतेगा। इधर कमल ही जीतेगा, इसको लग रहा है कमल जीतेगा। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी कामनी राठौर। जनता पार्टी कामनी राठौर। आइए इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? भगवान जाने जी। भगवान जाने। भगवान जाने। भगवान जाने।
भगवान जाने कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? यही जीतेंगे भैया। कौन? वो अभी यहाँ खड़ी हुई है। कौन सी पार्टी? काम नहीं, काम ही नहीं, काम ही नहीं। बीजेपी, बीजेपी। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? अखिलेश। वो क्या कहते हैं, अखिलेश? हाँ, फातिमा जी। अच्छा अच्छा, मसरूर फातिमा। हाँ जी बिल्कुल, मसरूर फातिमा। नाम नहीं पता है लेकिन पार्टी जीतेगी। पता है आप कौन जीतेगा इस बार? मैं कहाँ मालूम कौन जीतेगा मेयर के इलेक्शन में, कौन जो जीत जैसे है मैं कहाँ मालूम। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? कोई मतलब ना, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? बीजेपी। काम नहीं, बीजेपी काम ही नहीं, बीजेपी काम नहीं जीतेगी। मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा इस बार? मेयर के इलेक्शन में पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। भैया मेयर के इलेक्शन में कौन अब की बार? देखिए जहाँ तक उज्जवल गुप्ता है, उज्जवल गुप्ता है, उज्जवल गुप्ता का एक और वोट है। हाँ, उज्जवल गुप्ता को भी वोट चाहिए। उज्जवल गुप्ता, एक और, एक और, एक और आइए। और इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन भैया? भैया मैं लोकल नहीं। हाँ, मेयर के इलेक्शन में कौन है? मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। बिना किसी डाउट के बोल रहे हैं। वोट है आपका? नहीं है सर। नहीं है आपका? है। हाँ, कौन जीतेगा इस बार मेयर के इलेक्शन में? आपका मालूम है? नहीं मालूम। किसको देंगे? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। तो भाई इधर के लोग जो है, आग नगर का जो क्षेत्र है भैया, इस बार कौन जीतेगा मेयर के इलेक्शन में? मैं बता नहीं सकता भाई, जो इलेक्शन पड़ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रही है आवाज? देखो जितने की भाई, भाजपा भी है, बीजेपी है, कांग्रेस भी है, इनकी आवाज लग रही है। भाजपा भी है, बीजेपी भी है, सब भी है और कांग्रेस भी है। जनता जिनके साथ है उन्हीं के साथ। आज पता चला है भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। आप बताएं सर, वोट है? नहीं है, नहीं है। वोट नहीं है। हाँ जी, इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? जो आप कहें उसी को जिता। आप कहेंगे हमारे? लो जी, लो जी, लो जी, लो। हमारे कहने से क्या होगा, हमारे कहने से क्या होगा भाई? इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? पता नहीं है भैया, मैं तो काम पे जा रहे हूँ। काम पे, काम पे जा रहे हैं। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन भैया? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अरे कुछ तो बता दो यार। अरे मैं कुछ नहीं जानता। कौन सी पार्टी? वैसे तो भाजपा ही आएगी, वो तो मालूम पड़ रही है। वैसे भी भाजपा ही आएगी ऐसा मालूम पड़ रहा है। आपको क्या मालूम पड़ रहा है इस बार कौन आएगा मेयर के इलेक्शन में? हमें कहाँ, मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मेकिंग देखो कौन जीते, मालूम नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, कौन कौन, कौन सी पार्टी? वो तो भाजपा की उम्मीद मालूम पड़ रही है। भाजपा की उम्मीद है आपको? बीजेपी की मालूम पड़ रही है। बीजेपी की मालूम पड़ रही है। आपको क्या लगता है इस बार? सपा, सपा, सपा का एक और वोट अभी। हाँ, आपको क्या लगता है? बीजेपी, बीजेपी लगती है, बीजेपी लगती है। क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में? नहीं पता, नहीं पता। इधर 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 मिठाई की दुकान पर क्या लगता है बीजेपी के इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन में इस बार क्या लगता है? इनसे बात कर रहे हैं, वो इनके मैनेजर हैं। हाँ आप बता भैया, नूतन राठौर जीतेंगी और क्या है? नूतन राठौर, नूतन राठौर कब खड़ी हो गई भैया? ओ कामनी राठौर, नूतन राठौर दोबारा खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। गजब के मीडिया वाले, हम अपडेट नहीं रहते। नूतन राठौर खड़ी है। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? जीतने की क्या, अभी तो इलेक्शन उम्मीद तो पता नहीं किसकी लग रही है। उम्मीद तो पता नहीं किसकी लग रही है। हाँ जी गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर में भी जीतेंगी भाजपा, भाजपा, कमल का फूल, कमल का फूल। गारंटी है भैया, गारंटी बता रहे हैं। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मेयर के इलेक्शन में हो सकता है सर बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी इधर इधर। हाँ जी, इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर के इलेक्शन में तो आप वही जीतेंगे, कामनी राठौर। कामनी राठौर, आपको क्या लगता है? कामनी राठौर जी, कामनी राठौर। हाँ जी, कामनी राठौर जी, कामनी राठौर जीतेंगी। काहे भैया, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। चार के चारों का एक ही तरफ वोट है।
आपको क्या लगता है भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? भैया जिन्हें मालूम है। अच्छा इन्हें मालूम है? भाजपा भाजपा इधर तो भाजपा है। भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? भैया कामनी राठौर। कामनी राठौर। कामनी राठौर। हाँ कामनी राठौर भैया। अच्छा आपको क्या लगता है भैया? कामनी राठौर। हाँ जी सेम टू सेम कॉपी कॉपी। हाँ जी इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन कौन जीतेगा? अरे मोहन राठौर। कामनी कामनी राठौर। कामनी राठौर जीतेंगी। कामनी राठौर इधर बता रहे हैं आइए। हाँ भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? देखो कामनी जी का काफी वो चल रहा है। कामनी राठौर जी का। कामनी राठौर जी का इधर भी। कामनी राठौर का इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा भाई? ये तो हम पे नसीब अपना अपना नसीब अपना अपना नसीब अपना अपना जो जिसके नसीब में होगा वही जीतेगा। हाँ जी हाँ जी जिसके नसीब में है वही जीतेगा। आइए आइए जिसको जिताना है उसको जिताइए भाई। ये सुहानगर का अंदर चौराहा है मणिपुर चौराहा और यहाँ से अंदर जाते हो भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? भाजपा बनेगी। भाजपा आपको क्या लगता है? भाजपा भाजपा बनेगी भाई साहब। हाँ जी आइए आइए भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर के में उज्ज्वल गुप्ता। उज्ज्वल गुप्ता आपको क्या लगता है मैडम इस बार कौन जीतेगा? उज्ज्वल गुप्ता। कामनी राठौर। कामनी राठौर इधर इधर कामनी राठौर है। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा भैया? पता नहीं अब पता है तो मालूम पड़ेगा अब क्या होगा अंदाजा। किधर हवा है किधर? अभी तो हवा की कुछ पता नहीं है। हवा की कुछ पता नहीं है। हवा रुकी पड़ी है अभी। हवा अभी चल नहीं रही है। गर्मी लग रही है। हवा कल से चलेगी। बताए इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी आपको क्या लगता है सर? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इधर समाजवादी पार्टी है। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन भैया है? मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? साइकिल। साइकिल साइकिल इधर साइकिल। साइकिल आपको क्या लगता है? फूल। फूल जी इधर फूल है। हाँ दो मिनट एक बात पूछ लूं। अरे यार भैया एक बात पूछ लूं। पूछो भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? अरे उनने तो बता दिया वो कुछ और बता रहे हैं। ये मैं जल्दी में हूं। अच्छा ये जल्दी में है बच रहे हैं बताने से। आप बताएं सर इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? आप बता दो हम इतना जानते नहीं है। हम सबसे बड़े पंडित हैं यार हमें सब पता है। हाँ जी आप बताएं सर इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मेयर के इलेक्शन में कौन? ये एक ही चीज है कामनी राठौर। हाँ जी कामनी राठौर जीतेंगे। कामनी राठौर जीतेंगी इनको लगता है। आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा इस बार कैसे मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर के इलेक्शन में उज्ज्वला यादव। उज्ज्वला गुप्ता। उज्ज्वला गुप्ता जीतेंगी। अच्छा क्यों जीतेंगी? क्यों जीतेंगी? उनका एक हिंदुत्व की भावना से और दूसरी उससे भावना से। अच्छा इसलिए उज्ज्वल गुप्ता जीतेंगी। आपको क्या लगता है सर इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मेयर गुप्ता। मेयर गुप्ता नया कैंडिडेट है नोट कर लेना। हाँ मेयर के इलेक्शन में कौन? कामनी राठौर। कामनी राठौर दर कामनी राठौर। मेयर के इलेक्शन में कौन आपकी बार भैया? मालूम पड़ेगी अभी नहीं। वोट है? है। है आपका है मैडम? है भैया। हाँ बताएं किसको देंगे? सर देखिए पायल। पायल नहीं मेयर में किसको देंगे? अब भैया देखते हैं। देखते हैं इधर देखते हैं हम आगे बढ़ के देखते हैं किस बार मेयर के इलेक्शन में क्या है। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मेयर के इलेक्शन में तो कौन आ रहा है? बताएं बताएं। उज्ज्वल गुप्ता। उज्ज्वल बता रहे हैं
उज्जवल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता जी जी जी, आपको भी उज्जवल ऐसे ही लगता है? पढ़ा लिखा आदमी चाहता है। आप बताएं साहब, सब क्या मतलब क्या इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन कौन जीतेंगे? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं आपको है? बताइए सर, बताएं सर इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर सदस्य लिया है कामनी राठौर। कामनी राठौर जी, क्यों? पार्टी का वोट है ये। उज्जवल गुप्ता कह रहे हैं, वो अपना अपना पसंद है भाई, अपना अपना पसंद है भैया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपनी अपनी पसंद है। क्या लगता है इस बार कौन मेयर के इलेक्शन में? कामनी राठौर। कामनी राठौर इधर। हाँ भैया, इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? मेयर के इलेक्शन में राठौर गई है, राठौर ही आ जाएंगी। राठौर गई है, राठौर ही आएंगी। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे तो साइकिल ही लग रही है। साइकिल लग रही है इधर, साइकिल लग रही है आपको? बीजेपी। बीजेपी लग रही है आपको? क्या लग रहा है भैया? बीजेपी। बीजेपी लग रही है आपको? क्या लग रहा है भैया? सर क्या लग रहा है? कौन मेयर के इलेक्शन में? बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है इधर। हाँ जी, मेयर के इलेक्शन में कौन लग रहा है आपकी बार? भैया मालूम ना पड़ रही। अच्छा, कोई कितना मालूम पड़ रहा है? क्यों 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 नहीं मालूम पड़ रहा आपको? मालूम ही ना पड़ रही कार लोग चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? मेयर पे ये समझो आप, फूल का फूल ही चल रही है, समझो फूल ही चल रही है। फूल चल रहा है। हाँ, फूल ही चल रहा है भाई साहब। क्यों चल रहा है भैया? काम अच्छे हो रहे हैं योगी जी के। अच्छा, और क्या, इसलिए चल रहा है? इसलिए बढ़िया चल रहा है, इसलिए चल रहा है भैया। काम अच्छे हैं योगी जी के। हाँ बालक, क्या हो गया? कुछ नहीं। तो क्या स्टार्ट नहीं हो रही? स्टार्ट तो हो गई, चाचा ने मैंने दुकान पे। होए, चला लेते हो तुम इसे? कितने साल के हो? 16 साल के। लाइसेंस है? चाचा आए हैं। तो तुम तो चला रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे थे। अरे मैंने तो वहाँ पे यहाँ का कड़ी करी है। अच्छा, बच्चे नहीं चलाते जब तक लाइसेंस ना बन जाए। इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है? मेयर के इलेक्शन में पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। ऐसा हो मतलब किसी की गुलामी ना करे। कौन ऐसा लग रहा है? सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। कौन दिख रहा है सेल्फ डिपेंड? मुझे तो उज्जवल गुप्ता दिख रही है। उज्जवल गुप्ता दिख रही है, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड दिख रही है, सेल्फ डिपेंड दिख रही है इनको। उज्जवल गुप्ता आइए। और हम जानते हैं कुछ लोग, भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन लग रहा है? मेयर के इलेक्शन में कौन लग रहा है आपको? भाई साहब मेरी जानकारी से बाहर, जानकारी से बाहर है इनकी। आपकी जानकारी के अंदर हो तो बताओ यार, मेयर के इलेक्शन में कौन है? मेयर के इलेक्शन में मारी तो वो है उज्जवला। उज्जवला गुप्ता आपकी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? फूल। फूल इधर, फूल लगता है इधर, फूल लगता है। आपको क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में? मेयर के इलेक्शन में हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं इधर तो। आपको क्या लगता है सर इस बार मेयर के इलेक्शन में? भाजपा भाजपा भाजपा। हाँ जी, आपको क्या लगता है भैया इस बार मेयर के इलेक्शन में? बीजेपी। बीजेपी। मैडम आपको क्या लगता है? ओहो, नो कमेंट वाले हैं, आ जाओ। ये नो कमेंट वाले लोग और होते हैं। आपको क्या लगता है मैडम इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? नहीं पता। आपको पता है भैया? मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं हरियाणा रह रहा हूँ। ओए हाय, हरियाणा के आदमी हैं बाहर के। आपको क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा? सर मुझे, मैं इधर गाड़ी में संतोष नगर का हूँ। संतोष नगर के तो क्या हुआ, जानते तो होंगे, मेयर तो सब जगह होगी। हाँ हाँ जी, मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है? मेयर का इलेक्शन अभी त्रिकोणीय फंसा हुआ है। त्रिकोणीय? कौन कौन से कौन है? अभी सपा, अभी जो बसपा कैंडिडेट के पति जो खत्म हुए जी, उस वजह से संपत्ति का वोट मिलेगा। संपत्ति बसपा के साथ है। ठीक है, ठीक है। सपा का अपना एक वोट बैंक है, सपा का वोट बैंक है। हाँ, और अभी भाजपा का वोट उज्जवल गुप्ता जो काट रही है, जनरल वोट, भाजपा जो जनरल वोट से जानी जाती है वो उज्जवल गुप्ता काट रही है। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ का जो है चुनाव फंसा हुआ है। अभी क्लियर ये कह नहीं सकते, मगर जो भी फाइट कर रही ना उज्जवला गुप्ता, वो बहुत अच्छी फाइट कर रही है। भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति है, और यदि वो हार भी जाती हैं तो आगामी शहर के जब भी कोई भी चुनाव होगा उनको एक बार मौका अवश्य दें।
शहर का विकास कहीं ना कहीं उज्ज्वला गौतम के गुप्ता के हाथों से उज्ज्वल गुप्ता के हाथों उज्ज्वल होगा शहर का विकास कह रहे हैं आप बताइए सही कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल कितने प्रतिशत कम से कम 70% 70% 70% सही कह रहे हैं 30% की गारंटी नहीं लेकिन और लोगों से पूछेंगे भैया मैडम क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन जीतना चाहिए अरे वोट है ना आपका नहीं। वोट नहीं है आपका है कौन जीतेगा इस बार देखो क्या पता कौन जीतेगा वोट खुलेंगे वोट खुलेंगे जब पता चलेगा आइए कोशिश करते हैं और लोगों से जानने की भैया एक सेकंड इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है उज्जवल गुप्ता जीतेंगी उज्जवल गुप्ता जीतेंगी अच्छा पक्का आपको क्या लग रहा है इस बार मेयर के इलेक्शन में मेयर में तो भूल जाएगा चाचा क्या लग रहा है इस बार मेयर के इलेक्शन में इधर आ जाओ क्या लग रहा है मेयर के इलेक्शन में कौन जीतेगा बेटा ये कौन सी गुप्ता है उज्जवल गुप्ता अच्छा उसकी उम्मीद है जीतने की अच्छा आपको क्या लगता है किन पे दोगे आपको क्या लगता है सर सर इधर अरे कमल को देंगे कमल को देंगे लो जी आप किसको देंगे कमल कमल इधर कमल लग रहा आइए और लोगों से मिलकर के भैया ये सुहागनगर है और ये सुहागनगर के एरिया में हम आपको बताएं कि यहाँ जो आबादी है मिश्रित आबादी है यहाँ हर तरह का और हर तबके का व्यक्ति रहता है हर जाति और हर धर्म से लगभग यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है ये 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 इलेक्शन में क्या लग रहा है कौन जीतेगा भाई तो अंदा वही है कमल का फूल ही है आपका फूल खिलेगा फूल तो खिला हाँ क्या लग रहा है फूल खिल रहा है हाँ अच्छा फूल खिल रहा है फूल जीतेगा इधर 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 आते हैं हाजी इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है क्या सर मेयर के इलेक्शन में क्या लग रहा है कौन जीतेगा उम्मीद तो बीजेपी की लग रही है उम्मीद बीजेपी की है आपको क्या उम्मीद है ऐसे ही कुछ है इधर कैसा कुछ है ऐसे ही कुछ है भैया अरे ऐसे ही नहीं यार बता दो यार नाम किसी का नहीं है ऐसी है अभी बराबर पार्टी बराबर पर चल रही है कौन कौन बराबर है बराबर कौन तीनों टक्कर है तीन कौन तीनों पार्टी है टक्कर की तीन कौन सपा भी है उज्ज्वला भी है और बीजेपी भी है सब चल रही है बराबर बीजेपी सपा और बसपा नहीं बसपा कहाँ है बसपा का टिकट तो ही नहीं है अच्छा फिर कौन ये तीनों है बीजेपी सपा और बस दो ही टक्कर चल रही है अभी आप तीन बता रहे थे हाँ बताएं इस बार यानी बोर्ड यानी इंसान देख को नहीं दिया जा रहा है इंसान देख के नहीं दिया जा रहा हाथी फूल है यानी कि ब्रांड को देख के दिया जा रहा है ब्रांड को देख के हाथी या हाथी देखेगा या फूल देखेगा या साइकिल देखेगा एक बार दोबारा समझाओ इस बार यानी ये नहीं देखेगा कौन व्यक्ति खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इसमें देखे फूल है तो फूल में वोट देने जिसको और जिसको हाथी हाथी में वोट देना है इस प्रकार वोट दिया जा रहा है उसको मतलब कोई व्यक्ति हो वो अपनी पार्टी देगा मेरी पार्टी ये है निशान देख के वोट दिया जा रहा है हाँ भैया हाँ भैया बोले हमने सुना है कि जिनके चश्मा होता है वो दूर दृष्टि के व्यक्ति होते हैं दूर दृष्टि के व्यक्ति तो होते हैं तो जरा दूर तक अपनी दृष्टि फैला के कि कौन जीतने वाला है जीतने वाला है वो तो पता चल ही जाएगा 14 तारीख को कौन जीत रहा है 14 तारीख को पता और जो है प्रत्याशी के हिसाब से देखा जाए तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसे व्यक्ति को सोचना चाहिए बाकी अपना अपना जो है मत लोगों का अलग अलग है जहाँ व्यक्ति को देना वही देता है तो क्या लग रहा है कौन है पढ़ा लिखा आपके हिसाब से जो है ये सब कुछ दिख रहा है कि कौन पढ़ा लिखा है डेली जो है चल रहा है आपके न्यूज पे भी चल रहा है लैब पे काफी जो है समर्थन मिल रहा है पढ़े लिखे लोगों को तो आ जाएगा जो रिजल्ट 14 को आ ही जाएगा वाक चातुर्य भी है नाम नहीं लेंगे पर सब कुछ कहेंगे आइए हाँ जी आपको क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में
कामनी राठौर। कामनी राठौर, अच्छा आपको क्या लगता है बाबूजी? कामनी राठौर फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट या फुल सपोर्ट? फुल सपोर्ट, फुल भी सपोर्ट। अच्छा दोनों बातें हैं, फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट। क्या लगता है आपको इस बार मेयर के इलेक्शन में? मेयर में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लो जी इधर तो बीजेपी जिता रहे हैं सब। आपको क्या लग रहा है मेयर के इलेक्शन में इस बार? सपा 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 आई रे आई रे। सपा बताएं कौन? मैं क्या बताऊं? फूल फूल, लो जी इधर फूल आ गया। आइए, ओहो यहाँ पर हैं कुछ लोग। इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन? ना ना मुन्ना ना आप? I don't know. ये भी नहीं जानते। आप जानते हैं इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या होने वाला है? नो no. इधर आप जानते हैं? नहीं भाई। ओए आपको पता है? नहीं नहीं पता। कमाल है, 4 तारीख को इलेक्शन है, किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है? हाँ। क्या होने वाला है इस बार मेयर के इलेक्शन में? मेयर का तो पता नहीं है। लो जी, लो मेयर का पता नहीं। आपको पता है? लाज रख लो यार इस पूरी दुकान की, कोई नहीं बोला। फूल खिलने वाला है, फूल खिलने वाला है। लो कोई तो बोला, कोई तो बोला, कोई तो बोला। आइए लो जी, हाँ जी, इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या होने वाला है? ना पता। वोट है इनका है? अच्छा आपका है? नहीं बना नहीं। क्या लगता है इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या क्या बता के बताऊं? पूछो। लो लो जी, क्या बताऊं? मेरे से पूछ के बताओगे? हाँ बताओ। मैं ना यार, ना मुझसे ना पूछो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा जी। हाँ जी, इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या होने वाला है? इसमें अपना कोई राय नहीं। अरे यार कुछ तो राय दो। इसमें कोई राय नहीं, कोई राय नहीं। नौशाद भाई, नौशाद भाई, नौशाद भाई, समाजवादी, समाजवादी पार्टी, नौशाद भाई, समाजवादी, नौशाद भाई। हाँ भाई आपका क्या कहना है? नौशाद भाई, नौशाद भाई, समाजवादी। हाँ नौशाद भाई, आप बोले पीछे से, नौशाद भाई समाजवादी पार्टी। हाँ जी सर, इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या? ये हमें कोई आईडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? कोई तो आइडिया लगा दे यार, कोई चीज में हो नहीं मैं इलेक्शन। अच्छा इलेक्शन में नहीं, नहीं नहीं, मतलब है इनका मतलब नहीं है, तो जिसका मतलब हो उससे पूछने की कोशिश करें। इधर 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 भैया, मेयर के इलेक्शन में क्या होने वाला है? मेयर के इलेक्शन में कौन कौन आने वाला है? वही आई है अपनी बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। आपको क्या लगता है? बीजेपी आनी है भैया। अच्छा इधर भैया, बीजेपी। एक सेकंड, स्माइल कर रहे हो, बता नहीं रहे यार। बताएं गौरव भाई, बताएं बताएं, इस बार मेयर के इलेक्शन में क्या? मेयर के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में नोटा, नोटा। तो जनाब ये सुहानगर का सर्वे हमने आपको बताया, और यहाँ पर जो लोगों का मत था वो अलग अलग था, अलग अलग तरह के लोग मिले हमें और अलग अलग तरह की बातें की उन्होंने। लेकिन अब जो है ये गजब होने वाला है, 4 तारीख को जब इलेक्शन होगा तो वोट किधर जाएगा ये कुछ नहीं पता, और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे वो हम आपको ज़रूर अपडेट दिखाएंगे, लाइव अपडेट आपको दिखाएंगे हम हर जगह की, और पूरा फिरोजाबाद आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो हम आपको बराबर दिखाएंगे कि किस हर एक पल की अपडेट हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन फिरोजाबाद के हर आदमी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए।